इंडिया 28 स्टेट्स 9 यूनियन टेरिटरीज ग्रेट कल्चर ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ईच स्टेट मार्क्स डाइवर्सिटी इन रीजन कल्चर फूड लैंग्वेज and everything is monitored under the chief ministership of the state which runs its own legislative assembly legislative house from their capital uski vivadta uske anek rajye 28 apne aap mein bharat ki bharmar liye sampada ko samete hue khade hain each state has their own culture heritage their own language, their own food habits, their own diversity in religion. Each state marks with it. So first one is Himachal Pradesh, northern Indian state lies in the laps of Himalayas, has its capital Shimla in summers and Dharamshala in winters. Monitored by Jairam Thakur as the chief minister of the state and here is the map and now swearing ceremony of him. शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा मैं जयराम ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा धन्यवाद।
most populous state, located on Ganga Yamuna Doab. Fifth contributor of this GDP, none other than Uttar Pradesh. So the capital of the state is Lucknow, and the person monitors the administration through Legislative Assembly is CM Yogi Adityanath. Here is the map of Uttar Pradesh, and the Chief Minister image is in front of you with its capital name Connectivity. So have a look at his swearing ceremony. Shapath Vidhi Prarambh Hota Hai. माननीय राज्यपाल जी की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल जी ने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक कि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्न महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा। हरियाणा, अ स्टेट मार्क्स द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड विटनेसिंग इट अंडर द चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। Its legislative assembly is situated in the capital, and that's Chandigarh. And the state has their capital as Chandigarh in sharing with Punjab. So have a look at the map of the state, and now after it, have a look on the swearing ceremony. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार
न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब मैं श्री दुष्यंत चौटाला जी से निवेदन करती हूँ कि वे उप मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता पराक्रमता अक्षुण रखूंगा। मैं भारत राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से ग्रहण करूंगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुष्यंत चौटाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करूंगा उपेक्षित हो अन्यथा अवस्थ में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुशोषित या प्रकट नहीं करूंगा। पंजाब सरसों के खेत कमर्शलाइज्ड एग्रीकल्चर एज आइडेंटिटी लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया मार्क्ड इट्स डिफरेंट आइडेंटिटी अक्रॉस द ग्लोब विद इट्स ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड द स्टेट हैव देयर कैपिटल एज चंडीगढ़ एंड चीफ मिनिस्टर इज कैप्टन हरमिंदर सिंह। Have a look on his swearing. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में राजभवन की जहां आपसे कुछ ही देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले 2002 से 2007 तक वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है बेहद उम्मीद भरी क्योंकि 117 में से 77 विधायक कांग्रेस के जीत के आए हैं। 2014 के बाद उत्तर राज्यों की अगर बात करें तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो यहाँ पर शपथ ग्रहण शुरू हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह शपथ ले रहे हैं यहाँ पर और बेहद ही सादा शपथ ग्रहण रखा गया है राज्यपाल के परिसर में ही। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल फेथफुली एंड कॉन्शियंसियसली डिस्चार्ज माय ड्यूटीज एज चीफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब
and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Amrinder Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chief Minister for the State of Punjab, except as may be required for the due discharge of my duties as such Chief Minister. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ अभी अभी ग्रहण की है। राज्यपाल वीपी सिंह बाडनोर ने उन्हें ये शपथ दिलाई है। दूसरी बार वो राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले 2002 से 2007 में भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी अगुवाई में पंजाब में कांग्रेस ने 10 साल के बाद सत्ता में वापसी की है शानदार बहुमत के साथ। कैप्टन की अगुवाई में 77 विधायक जीत कर आए हैं कांग्रेस के। वोकल फॉर द लोकल। इंडिया इज ब्लेस्ड विद द डाइवर्सिटी इन tradition, cultural heritage, language, clothing, fooding, etc. Each can cater this world with great vast potential of resources, and this will be done with the help of state government. So here we are learning the chief minister of the state. That's all for today. Thank you for visiting.